जनाब जमील अदीब सैयद साहब जो एक मारूफ शायर हैं, अदीब हैं और 500 से ज़ायद कुतुब के राइटर भी हैं और रोज़नामा दस्तरस हफ्ता दस्तरस के बानी हैं, रोज़नामा नवाए मुस्तैद कराची के जो है एडिटर भी हैं, इनको मैं ज़हमत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ये पंडी में वो शदीद दर्द था लेकिन आना पड़ा कि भाई इनका हुक्म था। जामे सदे की जाद ये इत्तेफाक कह ले कि दो शेर नात के आ गए हैं बीच में। तुम बादशाह हुस्न हो कोने मकान में, तुम बादशाह हुस्न हो कोने मकान में, तुमसे हसीन कौन है दोनों जहान में। दोनों के लिए तुम बादशाह हुस्न हो कोने मकान में, तुमसे हसीन कौन है दोनों जहान में। माहे अरब के साथ थे असहाब इस तरह, चले माहे अरब के साथ थे असहाब इस तरह जैसे सितारे चांद के गिर्द आसमान में। लेकिन तबलीग इत्तेहाद हसन और माविया, तबलीग इत्तेहाद हसन और माविया दोनों का एक नाम है अमन व अमान में। बोले माविया से हसन आपका है हक, बोले माविया से हसन आपका है हक, होना है कामयाब मुझे इम्तिहान में। शेर सुनने का ये कि 80,000 फौज थी दोनों तरफ खड़ी, 80,000 फौज थी दोनों तरफ खड़ी, गोया के तीर बैठे हुए थे कमान में। 80,000 फौज थी दोनों तरफ खड़ी, गोया के तीर बैठे हुए थे कमान में। और शेर के इस्लाम में दरार नहीं पड़ सकी जमीन, और ये नक्ता जिससे बड़ी शेर है। शैतान साथ लाया था गर्चे के हाविया, शेर खास सुने कि शैतान साथ लाया था गर्चे के हाविया, पर मनहरिफ हुए न हसन और माविया। जाहिर के मुसलमानों का कत्लेआम होता मुसलमान के हाथों से तो जहन्नुम में जाते। हजरत माविया का बड़ा कारनामा है कि मोतरिफ तो आज भी जिसका ज़माना है। हजरत माविया ने बनाई थी बहरी फौज, एक ख़ास बात है ये, हजरत माविया ने बनाई थी बहरी फौज, इस्लामी फतहात को इससे मिला उरूज। अपनी मिसाल आप हसन और माविया दोनों ही लाजवाब हैं दोनों जहान में। दुनिया को इख्तिलाफ अगर है हुआ करे, रस्म-ए-लिसान मैं तो हूँ दोनों की शान। दुनिया को इख्तिलाफ़ अगर है हुआ करे, रस्म-ए-लिसान मैं तो हूँ दोनों की शान में। तो लगता है कि इस्लाम में दरार नहीं पड़ सकी जमील, इस्लाम में दरार नहीं पड़ सकी जमील, दोनों ही कामयाब रहे इम्तिहान।